दिल्ली के बॉर्डर उत्ते एक साल तो वधेरे समय चले किसानी संघर्ष दौरान पंजाब अते हरियाणा के सैकड़े किसानों नूं शहादत का जाम पीना पिया। इन्हां विच वधेरे किसान अजिहे सन जो अपने परिवार विच कमाउण वाला इको एक व्यक्ति सी। अजिहे विच इन्हां किसानां दी शहादत तो बाद परिवार के मैंबरां ते घर नूं चलाउण दा संकट खड़ा हो गया सी। पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने शहीद किसानां दे परिवार दे दर्द नूं समझदे होए उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं सरकारी नौकरी देण दा ऐलान कीता। ते जिहड़े किसान मैं पहला ऐलान कर चुक्या इहदे विच संघर्ष दे विच शहीद होए आ, इह कोई मैं अज नहीं कह रहा, मैं पहले दिन तों कह रहा। ते असीं दे भी रहे नौकरियां, असीं सारिआं नूं उहनां विच इक परिवार नूं नौकरी दे रहे। मुख्यमंत्री दे ऐलान तो बाद कई किसानां दे वारसां नूं सरकारी नौकरी भी मिल गई है अते अजिहे लोक हुण थोड़ी राहत महसूस कर रहे ने। मेरे पिता किसान अंदोलन दौरान शहीद हो गए सन ते साडा सारा परिवार पिता जी ते निर्भर सी। सानूं इह गल दी चिंता सी साडे घर दा खर्चा किवें चलेगा। पंजाब सरकार ने ऐलान कीता शहीद परिवारां नूं सरकारी नौकरी देणगे, पर औखे वेले पंजाब सरकार ने साडी जो बांह फड़ी है असीं उसका तहे दिलों धन्नवाद करदे हां। पंजाब सरकार ने हुण तक शहीदां दे वारसां नूं सरकारी नौकरी दे दित्ती है, जबकि 400 किसानां दे परिवारक मैंबरां नूं 5 लाख रुपए की मदद दित्ती गई है। जिदा कि सारियां नूं पता है कि पंजाब विधानसभा दे इलैक्शन ऑलमोस्ट ड्यू ने, ते पठानकोट जिले दे विच साडी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पैंदी है, पठानकोट, पोआ ते सुजानपुर। ते लगभग जिले दे विच साडे कोल 5 लाख वोटर है। ते अपकमिंग इलैक्शन नूं वेखते हुए सारी तैयारियां जो इलैक्शन कमीशन वालों कीतियां जा रही हैं, सारे पोलिंग बूथ रेडी कर लए गए हैं। ते उत्थे जो भी अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ इलैक्शन कमीशन वालों डिफाइंड है वह सारिया उत्थे प्रोवाइड कीतियां गईयां हन। सारे जिहड़े नवे वोटर हैं जो 18 to 19 का जिहड़ा खासकर ग्रुप हुंदा हैगा, उन्हां नूं इंगेज करन वास्ते जिहड़ी स्वीप एक्टिविटीज साडियां हुंदियां हैं वह रेगूलर बेसिस ते 3 हल्कियां दे विच कीती जा रही हैं। ते काफ़ी जिहड़े नवे वोटर हैं वह साडे नाल जुड़े जांदे हैगे। ते जिहड़े इहदे नाल होर इन्नी वड्डी इह प्रक्रिया है जिहदे विच जिहड़े अपने वल्नरेबल बूथ हैं, क्रिटिकल बूथ हैं, तो जिनी फोर्स सानू रिक्वायर्ड हैगी उन्हां दी मैपिंग करनी, जिहड़ा पूरा एक कम्यूनीकेशन प्लैन बनना हुंदा हैगा वह साडा बन रहा हैगा। तो जिन्हें भी अफसर हैं उन्हां दी ड्यूटियां जिन्नी हैं वह सारियां लाइया जा रही हैं। जिहड़ी टीम्स बनती हैगी, चाहे वह फ्लाइंग स्क्वाड ने, चाहे वह वीडियो व्यूइंग है, एक्सपेंडिचर है, मीडिया सर्टिफिकेशन है, वह सारी टीमों की जिहड़ी बनतर है वह जिला प्रशासन वालों कर ली गई हैं। सारा स्टाफ जिहड़ा है वह प्रॉपर वैक्सीनेटेड रहे, ते पोलिंग बूथां ते जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह हैगा वो प्रॉपरली जिहड़ा नॉर्म्स है उहदे हिसाब नाल डिस्पोज कीता। सिक्योरिटी दे वास्ते साडे इंटरस्टेट दे जिहड़े नाके हैं वो साडे ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं। लगभग 22 नाके आपां इंटरस्टेट लांदे हैगे, ते अपना 3 नाके हैं जिहड़े अपने इंटरडिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ते 3 ज़िलिआं दे नाल साडा बॉर्डर असीं शेयर करदे हैगे, कांगड़ा, चंबा ते कठुआ। तां उहनां दे जिहड़े ज़िला अध्यक्ष हैं ते जिहड़े पुलिस काउंटर पार्ट्स हैं उन्हां नाल बहुत जल्दी ही मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की जा रही है, ताकि जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आने वाले चुनावों नूं देखते हुए लोड़ींदे हन वह आपां पहलां ही कर सकते हैं। मानयोग भारत चोण कमिशन नवी दिल्ली जी दीआं हदायतां दे मुख चोण अफसर पंजाब चंडीगढ़ दीआं हदायतां मुताबक इस वक्त लगभग सारियां ही तैयारियां जिहड़ियां उह मुकम्मल हो रहियां हन, कुछ कीतियां भी जा चुकियां हन। क्योंकि जिवें सब तों पहलां आम तौर ते साडे कोल पोलिंग स्टेशन हुंदे ने, पोलिंग स्टेशन दे सारे साडे जिले च 580 पोलिंग स्टेशन हन, जिन्हां समुचे पोलिंग स्टेशनां दे उत्ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਮਿਨੀਮਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਵੇਂ AMF ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਮਿਨੀਮਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੈਂਪ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ 100% ਸਾਡੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 35% ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਟੈਪ ਹੈ ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਮੈਪਿੰਗ। ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਮੈਪਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਸ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੋਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
कि कोई बंदा यह ना महसूस करे कि मैं कितने आ गया कि उन्होंने अच्छे तरीके से सजावे सरकार वालों गवर्नमेंट वालों इलेक्शन कमीशन वालों किसी किस्म की फंड की कोई कमी नहीं है ता जो हरेक बंदे नूं यह महसूस होवे कि मैं ये वोट पाउण जा रहा मेरी वोट का जिहड़ा जिन्ना असर है पूरी मतलब उहदे नाल कोई अपनी पसंदीदा कोई सरकार चुन सकता है फॉलो करो और दोस्तों मित्रों ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।